वालेकुम मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे परिस्तारों आज जो मैं किस्त ये भी मेरी लाइफ स्टोरी है ये किस्त नंबर है तेरह एपिसोड नंबर तेरह आज मैं रावलपिंडी की बात सुनाऊंगा आपको कि रावलपिंडी की जमीन ने कैसे कैसे फनकारों को जन्म दिया है पहला नंबर पापा लाऊदीन जो अवामी अदाकार लिखा जाता उसके साथ अवामी अदाकार लिखा जाता था पापा लाउद्दीन सुल्तान राय साहब फन की बुलंदियों पे रहा है सारी जिंदगी मरने दम तक फन की बुलंदियों में रहा है वो भी रावलपिंडी का एक खलील कैसर साहब हुए डायरेक्टर सुपर हिट डायरेक्टर उन्होंने तारीखी फिल्में बनाई हैं वो भी रावल के थे एक था परवेज राई ये छोटा बच्चा था जब घर से भाग के आया था रावलपिंडी से तो यहां पे स्टूडियो के आगे खड़े होके डायलॉग बोल रहा था इस टाइम इसकी उम्र थी दस साल जब डायलॉग बोल रहा था तो एक डायरेक्टर पास से गुजरा तो उसने देखा कि यार इसकी आवाज तो सुल्तान रही के में मिलती है उसने उस बच्चे को बुलाया बात सुनो बच्चा फिल्म में काम करोगे उसने कहा जी फिल्म में काम करने के लिए तो आया हूं रावल पिंडी से उसने कहा मेरे साथ वो उस बच्चे को लेकर स्टूडियो के अंदर चला गया स्टूडियो के दफ्तर में बिठाया उसको खाना वाना खिलाया चाय पिलाई इस वक्त परवेज राई आठ नौ साल का था छोटा बच्चा था उससे पूछा मालूम दी सारी उसे खाना वाना खिलाया चाय पिलाई उससे कहने लगा कि तुम यार मेरी फिल्म में काम करोगे और तुम यही सो जाया करो दफ्तर में उसने कहा ये तो अच्छी बात है जनाब मैं यही महफूज रहूंगा आपके पास उन्होंने उसको पास रख लिया रखने के बाद जब फिल्म शुरू हुई तो उस बच्चे उस ने परवेज राय ने पहला शॉट दिया तो सारी दुनिया ने क्लैप दी वहाँ जितने लोग बैठे थे सब ने क्लैप की यार इतना अच्छा बच्चा इतना पक्का बोलने वाला उस बच्चे को दाद मिली और वो बच्चा काम करने शुरू हो गया जब उसकी फिल्म लगी तो फिल्म सुपर हिट हुई उस बच्चे की उसके बाद उस बच्चे को हर फिल्म में काम मिलना शुरू हो गया सुल्तान आई का बचपन था सुल्तान आई साहब का बचपन करना था उसने उसको हर फिल्म में काम मिलना शुरू हो गया वो बच्चा बड़ा खुश पूरे स्टूडियो में उसकी इज्जत होगी हर बंदा उस बच्चे की इज्जत करने लग पड़ा कि यार ये या बच्चा तो बहुत कमाल आया है वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा जब उसकी फिल्में लगी एक ईद के ऊपर उसकी तीन फिल्में लगी थी शेर खान चानवरियाम और एक फिल्म और थी मैं भी छोटा सा था उस टाइम दस एक साल का मैं जब वो फिल्में देख के आया तो मुझे मोहल्ले में लोगों ने बताया कि ये बच्चा रावल पिंडी का रहने वाला तो का। का, ना लगन शुरू होगी इस काम से ज्यादा मुझे दिलचस्पी होगी कि यार मैं भी जाऊं स्टूडियो मैं भी जाऊं लेकिन था छोटा आ नहीं सकता था वक़्त गुजरता रहा गुजरता रहा वो बच्चा बड़ा पक्का काम करने लग पड़ा काम करते 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 उसने वहां पे अपनी पूरी जगह बना ली स्टूडियो के अंदर इतने में एक वक्त आया तो मैं भी यहां से स्टूडियो चला गया लाहौर अब मुझे इस बच्चे के साथ मुलाकात करने में एक हफ्ता लगा मुझे बच्चा नहीं मिला कि ये बच्चा कहाँ है स्टूडियो में ही होता था लेकिन मुझे नहीं मिलता था जब वो बच्चा मुझे मिला तो मैंने उसको एक तरफ करके चाय पिलाई पिलाने के बाद मैंने उससे पूरी स्टोरी सुनाई कि यार मैं भी रावलपिंडी से आया आयां और तुझे देख के आया हूँ तो इससे मुतासर होके आया हूँ कि, कि तू काम कर रहे तो मैं भी काम करूंगा वो भी बड़ा अच्छा बच्चा था अल्लाह उसे वहां जन्नत में जगह दे अब इस दुनिया में नहीं है वो अल्लाह के पास चला गया बड़ा अच्छा बच्चा था उसने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया कि यहाँ से बचना है यहाँ से बचना है ये करना है वो करना है वो मेरा दोस्त बन गया वो भी छोटा था मैं भी छोटा था वो भी कुछ उसकी भी उम्र हो गई थी कुछ सोलह सतारह साल और मेरी भी सोलह सतारह साल उम्र थी जब मैं यहाँ से गया एक अच्छी दोस्ती होगी मेरी और उसकी वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा वो भी काम कर रहा है मैं भी काम करना शुरू कर दिया इतने में उसकी उम्र होगी जब बाईस तेईस साल तो उसे काम मिलना खत्म हो गया फिल्म में काम मिलना उसको ख़त्म हो गया मतलब नहीं देते थे लोग काम क्योंकि बड़ा हो गया था उनको बच्चा चाहिए था छोटा इसकी उम्र बाईस तेईस साल हो गई थी ये बेचारा बड़ा उदास हो गया इसको स्टूडियो में काम नहीं मिल रहा तो एक कदी फिल्म होती थी सुल्तान रा सुल्तान राय का भाई बन जाए बन जाए तो या कहीं दोस्त का रोल बन जाए बचपना ये नहीं लगता था बच्चा नहीं लगता था करते करते बद गुजरता रहा गुजरता रहा एक दिन मैंने देखा कि होटल के ऊपर बैठा हुआ और बड़ा उदास था मैं इसके पास गया मैंने कहा यार क्या बात है परवेज भाई बड़ा उदास है तू तो। कहता लाला क्या बताऊँ कि बस हालात बहुत बुरे हो गए यहाँ तो चढ़द पूरज की सूझा है चढ़दे सूरज की पूजा है यहाँ तो आपको पता है काम करते रहो तो इज्जत होती है काम ना हो तो इंसान की कोई इज्जत नहीं मैंने कहा यार तुम हिम्मत ना हारो मैं तेरा भाई जो हूं मैं तेरा साथ दूंगा इंशाल्लाह मैंने उसको जो भी मेरे से मदद हो सकी उस टाइम मैंने की खुश हुआ बेचारा कि चलो यार ये ने मेरी मदद की करते करते एक वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा क्योंकि उससे सुल्तान राय भी बड़ा प्यार करता था सुल्तान राय भी उसकी हेल्प करता था सारे उसको उस टाइम चाहते थे लेकिन जब वक्त खत्म हो ना तो सब बंदे मुंह फेर लेते हैं लेकिन सुल्तान रही ने मुंह नहीं फेरा उससे वो एंड तक उससे प्यार करता रहा वो खुददार बच्चा था उसने कहा यार आल वक्त सुल्तान रई से लूंगा या जल से लूंगा कोई काम ही करूँ वो स्टेज की दुनिया में चला गया स्टेज की दुनिया में जब गया तो वहां स्टेज पर काम करने लग पड़ा थोड़ा सा ठीक हो गया करते 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 उसने कभी कभी मिलता था कि यार मैं स्टेज पे काम कर रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कोई बच्चों को रिजल्ट मिल जाता है यह है वो है शादी भी उसकी होगी थी उसने ये फैसला किया कि अब मैं रावलपिंडी चला जाऊं वहां पर स्टेज ड्रामे करूँ वो बच्चा यहाँ से रावल पिंडी चला गया वहाँ स्टेज ड्रामे करने लग पड़ा करने लग पड़ा कभी कभी मुझे मिलता था किसी मौके पर इकट्ठे हो जाते थे कहने का मकसद है वो इतना अच्छा बच्चा था इतना प्यारा बच्चा था इतना अच्छे खलाक का मालिक था तो वहाँ स्टेज के ऊपर काम कर रहा था उसने एक एबटाबाद में घर बनाया था बीवी बच्चे वहाँ थे एबटाबाद में नया नया ही बनाया था भी और बड़ा खुश था कि मेरा घर बन गया शुक्र है अब बीवी बच्चे सुकून से रहेंगे तो जब जलजिला ना आया ये जो 2005 में जलजला आया था बहुत बड़ा उसमें उसका घर गिर गया जलजले में घर गिर गया उसमें बच्चे भी मर गए थे बीवी भी मर गई थी सब मर गए अब उसको इतला आई रावल पिंडी में एक स्टेज के ऊपर काम कर रहा था वहां इतला आई कि तेरे बीवी बच्चे भी मर गए और तुम्हारा घर भी घिर गया उसने वहीं सदमा लिया और उसको वहीं हार्ट अटैक आया और वो बेचारा वहीं गिरा अस्पताल लेके गए तो उसकी डेथ हो गई तो कहने का मकसद है ये थी परवेज राय परवेज राय की कहानी बहुत अच्छा बच्चा था अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे मालिक उसके बच्चों को भी जन्नत में जगह दे तो देखिए इंसान कैसे कैसे दुखों में से गुजरता है कैसे स्टार बनता है स्टार बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्टार हमेशा गरीब आदमी बनता है अमीर आदमी स्टार नहीं बन सकता अब देखे ना सुल्तान राय साहब ने मेहनत की थी फाके काटे रातों को जगराते काटे तब जाके हीरो बना अब उनका बेटा है सुल्तान राय साहब का हैदर सुल्तान अब देखिए ना वो उसका वो कैलबर नहीं है जो बाप का था काम वो कर रहा है काम अच्छा कर रहा है हमारा भाई है हम उससे मिलते रहते हैं काम भी कर रहे हैं लेकिन कहने का मकसद है कि गरीब आदमी ने स्ट्रगल की होती है इसलिए वो हीरो बन जाता है तो हर गरीब आदमी हीरो बनता है उसे इस चीज का एहसास होता है कि यार मैं कैसे हीरो बनाऊं कितने बुरे वक्त देखे हैं मैंने ये स्टूडियो वो जगह है जहां पे लोग पैदल गए अंदर और गाड़ियों में निकले हैं और जो गाड़ियों में गए हैं वो पैदल गए गे वो गेटों से पैदल बाहर निकले हैं गाड़ियां भी वहां पे रुल गई सब कुछ रुल गया बर्बाद होके वापस गए तो जो ये नीयत करके आता है कि मैंने अपने बच्चों को रिजक कमाना है तो अल्लाह की रहमत से वो कामयाब होता है ठीक हो गया जनाब i love his i love his